नमस्कार, मैं मोहन। बीएसआरएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का बढ़ता खतरा देखते हुए महाराष्ट्र के स्कूल बंद रखे गए थे, लेकिन महाराष्ट्र के बंद पड़े हुए स्कूल अब जल्दी खुल सकते हैं। सोमवार से स्कूलों को दोबारा शुरू करने की मांग हो रही है और इसी बीच शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने भी अपना सुझाव मुख्यमंत्री के पास दिया है। अब देखना यह होगा कि सोमवार से स्कूल खुलते हैं या नहीं। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चों की सुरक्षा किस तरह से की जा सकती है। हालांकि अभी तक उनके बारे में वैक्सीन भी नहीं आई है और स्कूलों में भेजना मतलब बच्चों की जान जोखिम में डालना हो सकता है। कैबिनेट मीटिंग में अब यह फैसला होगा कि सोमवार से स्कूल शुरू होंगे या नहीं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से महाराष्ट्र में बंद पड़े स्कूल अब जल्द खुल सकते हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में बड़ा संकेत दिया है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का कहना है कि राज्य में सोमवार से स्कूल खोले जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही है, जो कि सकारात्मक बात है। ऐसे में स्कूल खोलने पर विचार हो सकता है। उन्होंने कहा कि बच्चों के पेरेंट्स भी लगातार स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई को काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन राज्य में अभी कोरोना गया नहीं है। ऐसे में नियमों के खिलाफ कुछ भी करना गलत होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे इस संबंध में अपना सुझाव सीएम उद्धव ठाकरे के सामने रखने जा रही हैं। अब इस संबंध में कोई भी फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। अगर सोमवार से महाराष्ट्र में स्कूल खोलने का फैसला होता है तो बच्चों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही स्कूलों में एंट्री दी जाएगी। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि कई पेरेंट्स उनके ओर मांग कर रहे हैं कि स्कूलों को ऑफलाइन तरीके से शुरू किया जाए। ऑनलाइन शिक्षा अभी फिलहाल शुरू है, लेकिन कई बच्चे इससे वंचित रह रहे हैं। कई बच्चों को अब तक ऑनलाइन शिक्षा क्या होती है यह तक पता नहीं। महापालिका के भी ऐसे स्कूल है जहाँ पर बच्चों के पास न मोबाइल है, न टैब है, न ऑनलाइन शिक्षा का कोई तरीका है। तो ऐसे बच्चों की भविष्य की चिंता तो सभी पेरेंट्स को है। ऐसे में अब ऑफलाइन शिक्षा कब से शुरू होगी यह भी देखना होगा। शिक्षक और बाकी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन यह भी एक मुद्दा है, क्योंकि अभी कई शिक्षक भी ऐसे हैं या फिर स्कूल के कर्मचारी भी ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है। दोनों डोज लगने के बाद ही उनको स्कूल में एंट्री दी जाएगी, ऐसा भी वर्षा गायकवाड़ का कहना है। तो इससे पहले स्कूल के कर्मचारियों का और शिक्षकों का वैक्सीनेशन करना होगा, उसके बाद बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का सही तरीके से उन्हें समझाना होगा, तभी उन्हें स्कूल भेज सकते हैं। पिछली बारी में जब स्कूल शुरू हुए थे तब हमने ऐसा देखा कि महाराष्ट्र के कई शहरों में स्कूलों में बच्चों का पॉजिटिव आना काफी बड़ी संख्या में दिख रहा था। ऐसा ही दोबारा ना हो इसके लिए प्रशासन को पहले से ही पूरी तरह सज्ज होना होगा।